हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सावजी स्टाइल चिकन सूखा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये विदर्भ की फेमस डिश है और ये टेस्ट में बहुत ही स्पाइसी और यमी होती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। एक पैन में हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून तेल। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर हम ऐड कर देंगे 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1/2 इंच दालचीनी के टुकड़े, 15 से 20 काली मिर्च के दाने, 2 तेज पत्ता। इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 बड़े कटे हुए प्याज, 1/2 प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून नारियल और 1 टेबलस्पून खसखस। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। सावजी स्टाइल चिकन महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला। मसाला अभी ऐड करने से इससे सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पैन में हम ऐड कर देंगे 1 कप तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही अदरक लहसुन का रॉ स्मेल चला जाए हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लेंडेड मसाला की पेस्ट। मसाला को हमें 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही मसालों से तेल छूटने लग जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया जीरा पाउडर और नमक स्वादानुसार। अच्छे से मिला लेंगे इसे। मसालों को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। मसालों से जैसे ही तेल छूटने लग जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन।
चिकन के पीसेस को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसे कवर करके 8 से 10 मिनट तक चिकन को मसाले में ही अच्छे से पकने देंगे। चिकन मसाले में अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी। हम ड्राई चिकन बना रहे हैं इसलिए इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस हमें इतना ही पानी ऐड करना है जिससे चिकन सॉफ्ट हो जाए। अभी कवर करके हम 20 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे। बीच बीच में हम चेक कर सकते हैं कि पीसेस अच्छे से पके हैं या नहीं। हमें चिकन के पीसेस सॉफ्ट होने तक पकाना है। अभी हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। ये देखिए चिकन को कितना अच्छा कलर आ गया है। इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये बनके रेडी हो गया है सावजी स्टाइल चिकन सुखा। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।